माँ का गाड़ी उलट गया। मेरा स्पीड वंडर वाइट जो के अभी जावा ग्रास चला रहे वही और गाड़ी का अभी भाव बहुत बढ़ गया क्योंकि गाड़ी जो है अभी स्पीड वंडर भी है चला दिए। हेलो नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय हमजा मुर्तजा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 8 तारीख और टाइम हो रहा है कुछ 10:30 रात का। अभी हम लोग निकलने वाले हैं भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने, क्योंकि सभी को पता है 9 तारीख को इड्स मिराज का बर्थडे है। तो अभी हम लोग स्ट्रीट बर्नर भाई से बात हुआ है, वो हम लोग को ज्वाइन करने वाले हैं। मेरे खास आदमी के बर्थडे में खास आदमी आने वाला है, तो अभी हम लोग पहले निकलेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे उनको, उसके बाद वहाँ से फिर प्लानिंग होगा कि कहाँ जाना है कैसे जाना है। तो पहले यहाँ से निकलते हैं। तो भाइयों, आज की शाम इड्स मिराज, मिराज भाई के नाम, और आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मिराज भाई का जन्मदिन है। इस ख़ास दिन पे हमारे साथ बहुत सारे ख़ास लोग हैं और एक स्पेशल ख़ास लोग का हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं डोमिनोज के पास। इस ख़ास दिन में हमें ज्वाइन करने वाले ख़ास आदमी जिनको पूरा पटना, पूरा बिहार और केरला में भी बहुत लोग जानते हैं, स्ट्रीट बर्नर, वन ऑफ़ द बेस्ट मोटो ब्लॉगर ऑफ आवर बिहार। बेस्ट क्या बोले, तो बिहार के सबसे बड़े मोटो ब्लॉगर है और इंडिया में भी उनकी नाम काफ़ी चलता है। 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। अभी हम उनको कॉल करेंगे, भाई से बात हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो अभी आएंगे, हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं उनका, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। क्या हाल है भैया, चलें वहाँ पे, सब वेट कर रहे हैं हम लोग, बस आपको लेने के लिए इधर आ गए। और भाई डोमिनोज के पास, डोमिनोज के पास चलिए, आज तो मज़ा लिया जाएगा, चलिए तो उड़ते हैं। अभी सीन क्या है, केक लेना है, केक लेने के बाद प्लान हुआ है कि हाईवे पे जाना है, कुछ 40 किलोमीटर है हाईवे, महावीर जो कि स्ट्रीट बर्नर भाई का फेवरेट है, तो वहाँ पे डिसाइड हुआ। और दूसरा रीज़न ये भी है कि पटना में अभी सब कुछ बंद है, तो हाईवे साइड ही रेस्टोरेंट खुला हुआ मिलेगा, ढाबा तो उधर पे ही होगा जो होगा। तो अभी स्ट्रीट बर्नर भाई मेरा बाइक लेके गए हैं हेलमेट लाने, और मेरे पास मैं चला रहा हूँ ड्यूक 390, बाकी सब लोग यहाँ केक लेंगे और फिर यहाँ से भी निकलेंगे। तो भाई सीन ये है कि केक ले लिए हैं अपन, बट देयर इज़ अ सैड न्यूज़ कि मेरे पास माइक जो है ना जल्दी जल्दी में छोड़ दिया क्योंकि मुझे मोटो ब्लॉगिंग करना नहीं था, बट अभी 40 किलोमीटर दूर जाना है तो मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, आप सिनेमैटिक्स इन्जॉय कीजिए, मैं जो भी बात करूँगा वहीं पहुँच करूँगा। स्ट्रीट बर्नर भाई स्मिथ भैया जो है वो आगे वेट कर रहे हैं, मेरी गाड़ी वो चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ ड्यूक 390। तो यहाँ पर हम लोग मिल गए स्ट्रीट बर्नर भैया, कुछ सब्सक्राइबर रोक लिया था भाई के साथ सेल्फी लेने के लिए, चला जाए। तैराक चला रहे हैं क्या आप, तैराक चला रहे हैं क्या आप, उड़ाइएगा। हाँ चलिए, हाँ हाँ आगे पीछे चलेंगे। स्ट्रीट बर्नर भाई चला रहे हैं तैराक और भाई लोग सब लोग अपनी अपनी गाड़ी पे है। सैड न्यूज़ ये है कि मोटो ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई माइक लेना भूल गए थे, तो बस यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पहुँच के मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग 90 फीट से निकल रहे हैं, तो स्ट्रीट बर्नर भाई हम लोग को लीड करेंगे। लेट्स गो। तो भाई लोग ये लाइनअप है और ये रहे स्ट्रीट बर्नर भाई जो कि अभी जावा ग्रास चला रहे हैं, वही जावा ग्रास जाता है भाई लोग। कैसा लग रहा है गाड़ी चला के? बहुत सही है भाई, बहुत सही है। नहीं बस एक यही है कि सिंगल सीटर, यही तो इसका स्वैग है, सिंगल सीटर का मजा लेना तभी तो जा। अरे मुजफ्फरपुर में लेके निकलते हैं ना, पब्लिक देखता है ऐसा क्या ही बताया जाए। ओ भाई साहब, अभी हम लोग रुके, अभी कितना दूर है? और अभी है लगभग 15 किलोमीटर। माइक ही लाना हम भूल गए, होटल पे छोड़ दिए, मोटो व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे, सिर्फ सिनेमैटिक ले रहे हैं। तो गाड़ी चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना, वो क्या ही मैं एक्सप्लेन करूँ। अभी हम लोग पेट्रोल लेने के लिए रुके हैं और कैसा लग रहा है आर्यन भाई? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है।
AS Films फिर से दिखा दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और गाड़ी का अभी भाव बहुत बढ़ गया क्योंकि गाड़ी जो है अभी स्ट्रीट वंडर भैया चला दिए, सेलिब्रिटी आदमी है, भीड़ लगता है पटना है भैया के लिए। बहुत लोग बोल रहा था कि स्ट्रीट वंडर भैया के साथ ब्लॉग करने के लिए सही है, मैसेज इतना मैसेज आता है कहाँ से रिप्लाई कर पाएंगे। फोटो लेना है क्या? पेट्रोल डलाने के लिए रुके थे, थोड़ी सी फ्यूलिंग की थी। एक ट्रक आ रहा है भाई साहब, जाने देखते। रात में तो काफ़ी ही देख समझ के रोड क्रॉस करना है। और वो निकल गए स्ट्रीट बर्नर भाई उड़ाते हुए। वैसे पब्लिक स्ट्रीट बर्नर भाई को कौन कौन जानता है मेरे सब्सक्राइबर्स में से? स्वैग है भाई। ये है लाइनअप, मजा आ गया। गाड़ी चलाने में मजा आ गया रात में, पर ठीक है, ज्यादा समझ नहीं आया, कुछ पता नहीं चला। सीन गया, हम लोग गाड़ी चला के मस्त 45 कितना किलोमीटर है, 40 किलोमीटर गाड़ी चला के। और हमको लगता था ये मुजफ्फरपुर वाला हाईवे पे है, नहीं ये रांची वाला है, रांची वाला हाईवे। गाड़ी चला के तो नेक्स्ट टाइम मजा आ गया। अभी खाना वाना ऑर्डर करते हैं उसके बाद, क्योंकि लग गया बहुत। खाना ऑर्डर करने के बाद केक वेक कट होगा, बाद में होगा, सब कुछ उल्टा उल्टा होगा। खाना ऑर्डर करना बहुत ही अपने लोग का काम नहीं है भैया, बहुत कम जाते हैं। बर्थडे बॉय का मूड ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं कहीं गड़बड़ हो गया। अभी भी बिजी, अभी भी बिजी ही है, उस टाइम से देख रहे हैं, फोन पे ही बिजी है। सौरभ भाई आप अपने चख लेते, ये तो आप चख लेते, नहीं नहीं आइए थोड़ा सा खा के चलते हैं। ये वाला जो डायलॉग था, वो वाला जो वीडियो था याद है? डायलॉग बन गया उस दिन, चाय जो हम लोग पी रहे थे, आइए थोड़ा पी। 5 4 3 2 1 हैप्पी बर्थडे। ना बताइए दादा, गाली वाली दे देता है सब ना, बड़ी मसला हो जाता है। पहले बेटा है पहले तो जरूरी है ना। फोन के कैमरा में चिपका देते बस। हमारे हमजा भाई हैं, ब्लॉगिंग स्टार, बहुत बड़ा उभरता हुआ चेहरा, अभी भाई लोग का फोटो शूट चल रहा है। अच्छा हमजा भाई बीच में आ गए क्या? सॉरी। ए मेरे साथ भी खींचो बे, हम भी जा रहे हैं थोड़ा। अरे क्या हम जल्दी खींच उतार हो फोटो शूट कर भाई। ओके नहीं आए वो तो भाई सीन ये है कि अभी केक वेक कट हो गया, सब कुछ हो गया। अभी क्या स्ट्रीट बर्नर भाई हैं साथ में, हम लोग यहाँ से निकलने वाले, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग ख़त्म करने से पहले इनसे एक मिनट बातचीत कर ले। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे
कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि स्ट्रीट बर्नर भाई को मुजफ्फरपुर कब लेके आ रहे हो और दरभंगा कब लेके आ रहे हो, तो भाई अभी साथ में भी भाई ही बताएंगे कब आ रहे हैं। देखो अभी तो नोएडा जा रहा हूँ, उसके बाद फिर प्लान करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ ज़रूर आएंगे भाई, मुजफ्फरपुर भी आएंगे और दरभंगा भी आएंगे। तो दरभंगा की पब्लिक और मुजफ्फरपुर की पब्लिक स्टेडियम रहने का हमजा मुर्तजा ज़रूर लाएगा। तो अभी क्या है, चलते हैं हम लोग वापस पटना, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।